नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं kaushalmarty.com K7 न्यूज, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन K7 न्यूज, भारत समाचार और लोक सामना ओडिशा। पत्रकारों ने बांटे जरूरतमंदों को भोजन और मास्क। वर्तमान में COVID-19 वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया है। इसी क्रम इसकी दूसरी लहर से भारत के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी क्रम में प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरा शटडाउन होगा। राज्य सरकार और प्रशासन का संदेश स्पष्ट है, लोग घरों में रहें ताकि इस वायरस के प्रकोप से बच सके और इसकी लगातार बढ़ते श्रृंखला को तोड़ा जा सके। घरों में बंद रहना और घर से काम करना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो अपने दो वक्त की भोजन के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, उनके सिर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया है। इन लोगों ने अपनी कमाई का सारा साधन खो दिया। ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है दो वक्त का भोजन के जुगाड़ की। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने दुनिया को प्रभावित किया है। व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और महामारी कब खत्म होगी इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में वे लोग जिनके सर पर छत नहीं है और आम दिनों में भी जिनको दो वक्त का भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनकी कमाई के सारे जरिए समाप्त हो गए हैं और यह लॉकडाउन उनके लिए बहुत ही तनावपूर्ण समय बन गया है। इन सब में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, झुग्गी झोपड़ियों और बेघर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में कोई भी खाली पेट नहीं रहे, भारत जैसे देश में घनी आबादी को देखते हुए ये हर एक जरूरतमंद तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस तरह की संकट की स्थिति में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पहल की है और संकट में लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया करा रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ओडिशा के सुंदरगढ़ इकाई, K7 न्यूज, भारत समाचार और लोक सामना ओडिशा के सदस्यों एवं कुछ अन्य पत्रकारों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह संकल्प लिया कि शटडाउन के दो दिन यानी शनिवार और रविवार शहर में कोई भी खाली पेट न सोए। इसके तहत वे राउरकेला एवं आसपास के इलाकों में दिहाड़ी मजदूरों, झुग्गी वासियों और बेघर लोगों को पका हुआ भोजन और मास्क प्रदान किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने 200 से अधिक भूखे लोगों को खाना खिलाया और मास्क और सैनिटाइजर बांटे। लॉकडाउन समाप्त होने तक हर शनिवार और रविवार जब पूर्ण शटडाउन रहेगा, तब तक इस सामाजिक सेवा को जारी रखने की बात कही है। क्लब के एक सदस्य के घर में ही रसोई स्थापित की गई है और खाना पकाने का काम श्री धनेश्वर दास के देखरेख में एक टीम द्वारा किया गया। लॉकडाउन के नियमों एवं स्वच्छता मानदंडों का पालन करते हुए, सफाई के साथ पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए 200 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया है। भोजन तैयार करने और वितरण के दौरान क्लब के सदस्य सामाजिक दूरी, मुंह ढकना और दूसरे स्वच्छता सावधानियों का कड़ाई से पालन किया। इस मिशन को सफल बनाने में राजन शर्मा, रितेश प्रजापति, धनंजय दास, अमरजीत साहू, प्रदीप दास, धनेश्वर दास सिंह जी, श्वेता शाह और अन्य पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें धन की व्यवस्था, राशन एवं सब्जियों की खरीद, खाना बनाना, पैकिंग और समय पर वितरण शामिल है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुंदरगढ़ जनरल सेक्रेटरी श्री रितेश प्रजापति ने आसपास के इकाइयों के लोगों से इन प्रयासों में शामिल होने और स्वयं इच्छा से आगे आकर मदद करने की अपील की है। संकट की इस घड़ी में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुंदरगढ़, kaushalmarty.com, K7 न्यूज, भारत समाचार और लोक सामना ओडिशा का ये संयुक्त प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है। आइए अब हम बात करते हैं राउरकेला से मेरे सहयोगी और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रितेश प्रजापति से। रितेश प्रजापति जी,
जी सर बोल रहा हूँ। आप लोगों के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं सत्येंद्र मिश्रा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ kaushalmarty.com K7 न्यूज के तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रितेश सर, ये बात ऐसा है कि आप लोगों के मन में ये बात कैसे आई कि इस तरीके से कुछ सेवा की जरूरत है और ऐसा करना चाहिए, और आप लोगों ने कैसे किया इस लॉकडाउन में जहाँ की सभी कार्य बंद हुए हैं, चारों ओर बंदी है, कहीं से कोई आ जा नहीं रहा, उस परिस्थिति में आप लोगों ने इसे कैसे संभव किया? सर सबसे पहले तो एक्चुअली एक रिपोर्टर होने के नाते हमको रेगुलर न्यूज कवरेज के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इस बार हमने एक चीज नोटिस किया है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत कम संगठन है जो इस तरीके से खाना भोजन लोगों को बांट रहे हैं। पिछले बार काफी बड़ी संख्या में ये चीज हो रहा था, तो इसलिए बहुत बड़ा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि न्यूज कवरेज के टाइम पे हम लोग रेगुलर ये चीज देख रहे थे। तो पत्रकार होने के नाते हमारा भी समाज के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, ये सोच के फिर हम कुछ पत्रकारों ने इकट्ठा हुए, जिसमें इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, K7 न्यूज है, भारत समाचार है और भी कुछ अन्य संस्थाएं हैं, तो हम लोग साथ में 5-7-10 लोग मिले और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग आपस में मिलके इस तरीके से पका हुआ भोजन अपने क्षमता अनुसार वितरित करेंगे। क्योंकि हम रिपोर्टर हैं तो हमको सर शनिवार और रविवार को बाहर निकलने का परमिशन है, बस इसीलिए हम ये चीज कर पाए। जी किन किन क्षेत्रों में आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है? सर बेसिकली ये हम लोग रौलकेला के एरिया में ही किए, जैसे बस स्टैंड का एरिया हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रिंग रोड हो गया, जहाँ पे ज्यादातर बेघर लोग रहते हैं उस सारे इलाके में हमने जाके लगभग 200 खाने के पैकेट हमने बांटे। आगे का क्या विचार है आपका, आगे आप कैसे करना चाहेंगे? अभी तो सर अभी हम लोग जैसे प्लान किए हैं कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज जब तक लॉकडाउन है सरकार के हिसाब से अभी 19 तारीख तक लॉकडाउन है, इसमें 2 शटडाउन आएगा सर, हमने सिर्फ शटडाउन के दिन ये बांटने का निश्चय किया है, क्योंकि शटडाउन के दिन सारे होटल बंद होते हैं, सारे दुकानें बंद होती है, बाकी दिनों में इन लोगों को भोजन कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट ये 2 दिन होते हैं जहाँ इनके पास भोजन का कोई साधन नहीं होता, इसीलिए अभी जब तक लॉकडाउन होगा, आगे लॉकडाउन बढ़ता भी है तो शनिवार रविवार जब शटडाउन पूरी तरह से शटडाउन होगा तब तक हम इस चीज को आपस में हम लोग सारे पत्रकार मिलके इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। जी रितेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद इस समय K7 न्यूज के तरफ से, और आपका इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmarty.com